हेलो दोस्तों, टेस्ट बिहार का चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिश करी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये हाफ के जी रोहू फिश लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये लहसुन लिया है, बड़ी साइज का लहसुन है। इसमें लहसुन ज़्यादा लगता है, प्याज कम लगता है। एक प्याज लिया छोटे साइज का, एक टमाटर और एक टुकड़ा अदरक का है, एक हरी मिर्च है, धनिया पत्ता थोड़ा सा। साबुत मसाला में मैंने साबुत धनिया लिया है और थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च है, और ये सरसों है, काली सरसों, आप पीली सरसों भी ले सकते हैं, और साबुत जीरा है। और मसाला में मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये फिश करी का मसाला है, काली मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक एंड हल्दी। तो और तलने के लिए तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें तेल डालते हैं। फिश फ्राई करने के लिए थोड़ा तेल ज़्यादा चाहिए। तेल गरम हो रहा है, तब तक हम लोग फिश में नमक हल्दी मिला लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च। तो अच्छे से हम लोग को अच्छे से इसको मिला लेना है। दोस्तों, जब हम लोग फ्राई करेंगे फिश, तभी हम लोग नमक मिलाएंगे। पहले नमक बिल्कुल मत मिलाइएगा, पहले सिर्फ हल्दी मिलाना है। जब हम लोग वॉश करते हैं उस समय हल्दी मिला के रख देना है, जब फ्राई करेंगे उस समय नमक डालना है। देखिए, मिला लिए। ये दोस्तों, तेल बिल्कुल गर्म हो गया, इससे देखिए धुआं उठ रहा है। जब इतना तेल गर्म हो जाए तभी इसमें फिश डालना है, नहीं तो फिर फिश अंदर से चिपकने लगेगा। तो अब हम लोग एक एक करके इसमें ध्यान से डालना है। जितना स्पेस है उतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। एक तरफ से हो जाए तब फिर पलट देंगे। फ्लेम को हमेशा हाई पे रखना है। एक तरफ से हो गया है, अब हम लोग इसको पलट लेते हैं। ध्यान से पलटना है इसको। हम लोग ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और ये खड़ा मसाला, साबुत धनिया, जीरा, सरसों और काली मिर्च, लौंग, ये सबको हम लोग पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से हो गया फ्राई। अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सारा फिश मैंने फ्राई कर लिया है। अब एक अलग कढ़ाई में ग्रेवी बनाएंगे। उसका कढ़ाई गर्म हो गया है,
जिस तेल में हम लोगों ने फिश फ्राई किया था वो तेल इसमें डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम लोग उसमें एक तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा डालना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और उसमें थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर डालना है। टमाटर गलने तक थोड़ा सा पकाएंगे। टमाटर पक गया है, अब हम लोग ये जो मसाला पीस के तैयार किए हैं वो इसमें डाल देते हैं। सूखा मसाला भी डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा ज्यादा कम। ये फिश करी मसाला है पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर हाफ चम्मच, सारा मसाला हाफ चम्मच डालना है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको हम लोग को लो मीडियम फ्लेम पे तेल छोड़ने तक पकाना है। देखिए दोस्तों, मसाला तेल छोड़ दिया है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं। थोड़ी देर और पकने देते हैं। ग्रेवी के लिए मसाला बनके रेडी है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से ग्रेवी के लिए पानी डालिएगा ज्यादा कम। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रख दिया है और ग्रेवी पे थोड़ा सा उबाल आ जाए उसके बाद उसमें फिश डालेंगे। देखिए ग्रेवी में बॉयल आ गया है, अब इसमें हम लोग एक एक करके ये फिश का पीस डालेंगे। फिश डालने के बाद 5 मिनट पकने देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, ज्यादा नहीं पकाना है। ये दोस्तों 5 मिनट हो गया है, अब हम लोग चूल्हा बंद कर देते हैं और सर्विंग बाउल में फिश को निकालते हैं। देखिए दोस्तों, फिश करी बन के रेडी है, अब हम लोग इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ता से डेकोरेट कर देते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।